मुजफ्फरपुर वरीय संवाददाता। मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेलखंड बुधवार को 3 जोड़ी पैसेंजर और 1 जोड़ी इंटरसिटी का परिचालन रद्द रहा। इससे दैनिक यात्रियों को काफी परेशानी हुई। मुजफ्फरपुर से मोतिहारी और बेतिया तक लोगों को बस से यात्रा करनी पड़ी। मालूम हो कि मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेलखंड के नरकटियागंज से चमुआ और पिपराहा, मोतीपुर व महुआ के बीच डबल लाइन की कमिशनिंग की जा रही है। इससे ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनें 24 और कुछ 25 फरवरी तक प्रभावित रहेंगी। बुधवार को मुजफ्फरपुर आनंद विहार 12557 सप्तक्रांति हाजीपुर छपरा व गोरखपुर के रास्ते चली। वहीं डाउन सप्तक्रांति भी इसकी रास्ते से करीब 7 घंटे देरी से पहुंची। बापूधाम मोतिहारी में 2.5 घंटे रुकी रही मिथिला। रक्सौल हावड़ा 13022 मिथिला अपने नियमित रूट से चली। बापूधाम मोतिहारी में सिग्नल क्लियरेंस नहीं होने से ट्रेन 2 घंटे 28 मिनट रुकी। मोतिहारी से खुलने के बाद चकिया में 35 मिनट और मेहसी में 1 घंटे 20 मिनट रोकी गई। इस कारण शाम 6 बजे तक मिथिला मुजफ्फरपुर नहीं पहुंची थी। तुर्की कुड़नी में ब्लॉक से आधा दर्जन ट्रेनें प्रभावित मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड पर बुधवार को विभिन्न कार्य को लेकर गुमटी नंबर 13B पर ट्रैफिक ब्लॉक रहा। इससे आधा दर्जन ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। तुर्की कुड़नी सेक्शन पर रेलपथ मरम्मत, स्लीपर परिवर्तन आदि के लिए दोपहर में करीब 3.25 घंटे के लिए डाउन लाइन पर ट्रैफिक ब्लॉक रहा। इस दौरान ट्रेनों को नियंत्रित कर चलाया गया।